बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है जी क्लास 5 की इंग्लिश की बुक पर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 7, ये रहा जी हमारे यूनिट नंबर 7 अंकल शैम्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करूँगी, जो कि पेज नंबर 70 पर ये चैप्टर मौजूद है। ये रहा जी हमारा चैप्टर अंकल शैम्स, इसकी एक्सरसाइज ओपन कर लेती हूँ। ये रही इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहला सवाल है, विच वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस मलिक डज द वर्कमैन मिस इंटरप्ट, हाउ डज ही रिएक्ट। तो इसका आंसर देखिए, द वर्कमैन मिस इंटरप्ट डिग्रीज, ही सेज ही डज नॉट हैव डिग्री, ही देन मिस इंटरप्ट फाइन एंड इज वरिड ही विल बी फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वे इज अंकल शैम्प आर वर्किंग आर वॉकिंग डिजास्टर जोन, व्हाट डज दिस मीन्स। अंकल शैम्प्स कॉजेज हॉर्निक बाय ट्राइंग टू हेल्प, द वॉल क्रैक्स, द लैडर क्रैशेज टू द फ्लोर, द हैमर फॉल्स एंड ब्रेक्स अ टाइल, ही ब्रेक्स अ चेयर एंड व्हेन ही इज ऑन हिज वे आउट ऑफ द रूम। सी पार्ट, व्हाट रीजन डज मिस्टर एंड मिसेस गिव फॉर वांटिंग टू गेट रिड ऑफ अंकल शैम्प्स। आंसर, द मलिक्स थिंक्स दैट अंकल शैम्प्स हैज इसेंट्रिक वे, ही हैज कम फॉर टू अर्ली फॉर द वेडिंग, ही ईट लाइक अ हॉर्स एंड द कॉस्ट ऑफ कीपिंग हिम विल राइज। डी पार्ट, इन व्हाट वे इज मिसेस मलिक क्रेस्टिक, When Mr. Malik called Uncle Champs for lunch, Mrs. Malik secretly calls Uncle Champs Mr. Warriors and asks him to come and eat all the lunch. E part, which word best describe Uncle Champs' mood when he leaves the house? तो इसका आंसर है ये दोनों words. अब हम question number 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये स्टेटमेंट दी गई है, इसके मुताबिक ये 3 सवाल हैं। पहला सवाल है, हु इज स्पीकिंग टू हुम, मिस्टर मलिक इज स्पीकिंग टू मिसेस मलिक। नंबर 2, हु हैज बीन कंफ्यूज्ड एंड हाउ, द वर्कमैन हैज बीन कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड डिग्रीज, फाइन एंड हॉरिजॉन्टल। नंबर 3, व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर दिस, अंकल शैम्प्स अराइव्स एंड ऑफर हिज हेल्प। अब ये बी में भी एक स्टेटमेंट दी हुई है और इसके मुताबिक ये 3 सवाल हैं। पहला सवाल है, हु इज स्पीकिंग टू हुम, मिसेस मलिक टू मिस्टर मलिक। पार्ट 2, हु इज स्पीकिंग रेफरिंग टू और व्हाई, अंकल शैम्प्स। 3, व्हाट अदर एक्सप्रेशंस डज द स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब दिस पर्सन, ये 3rd का आंसर। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 78। अब आ जाते हैं हम जी ऑपोजिट वर्ड्स पर, यानी ये देखिए कुछ वर्ड्स हैं। जैसे अब पहला है क्रॉक स्टेट, वर्टिकल का है हॉरिजॉन्टल, एब्सेंस का है प्रेजेंस, केयरलेस का है केयरफुली, एंटर का है एग्जिट, फॉरगॉट का है रिमेम्बर्ड, अनवेलकम का है वेलकम, ग्रेजुअल का मतलब है सडन का ऑपोजिट, सॉरी अराइव्ड का मतलब है डिपार्टेड का ऑपोजिट, यानी सारे ऑपोजिट मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पंचुएशंस हैं कुछ, या आप नोट डाउन कर लें यहाँ कहाँ कहाँ पंचुएशन मार्क्स लगने। अब हम नेक्स्ट पेज पर सिर्फ हमारा ये लास्ट सवाल है, जिसमें हमने बताना है कि नाउन को हम वर्ब में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। जैसे ये डिस्ट्रॉय है डिस्ट्रक्शन, चूज, इमेजिन इमेजिनेशन, अराइव अराइवल, कंपेयर कंपेरिजन, रिजेक्ट रिजेक्शन, अवॉइडेंस। इस तरह से कुछ सवाल था। ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर किया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।